पीसी होटल में पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की 25वीं सालगिरह के मौका पर तकरीब। मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब हेल्थ फाउंडेशन अजमल भट्टी और डॉक्टर अमजद साकिब समेत मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मिन राशिद ने प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स, होमियो और हुक्मा के लिए बिला सूद कर्जों की स्कीम का इफ्तिताह किया। कहा, 5 सालों में सेहत के शोबा में 1 लाख अफराद को रोजगार के मौके मुयस्सर होंगे। सरकारी शोबे पर मुलाजमतों का दबाव कम करने के लिए ये कर्जा स्कीम एक मिसाली प्रोग्राम है। डॉक्टर यास्मिन राशिद ने बताया कि दरख्वास्त गुजार को 40 रोज में कर्जे की फराहमी का अमल मुकम्मल किया जाता है, जबकि कर्जों के हसूल के लिए दरख्वास्तें ऑनलाइन सिस्टम के जरिए दी जा सकती हैं। उन्होंने आगाह किया कि मंशियात के आदि अफराद की बहाली, टेली मेडिसिन और होम केयर का काम भी स्कीम में शामिल है। हम आपको वो कर्जा दे रहे हैं जो कर्ज हसना की तरह, यानी इसके ऊपर कोई सूद नहीं है, किसी किस्म की आपके दिमाग पे टेंशन नहीं होगी। वक्त जो है, आप चाहें तो 3 साल में वापस कर दें, आप चाहें तो 4 में करें, आप चाहें तो 5 में करें, जो आपके लिए आसानी हो, आसानी पैदा की जाए आपके लिए। सेक्रेटरी स्पेशलाइज हेल्थ केयर साबिक सफर का कहना था कि निजी मेडिकल शोबे को कर्जों की फराहमी का ये पहला रोड शो है। PHF का तमाम सेटअप शफाफ बुनियादों पर इस्तवार है। 4 main and 5 main advantages are coming up as an outcome of this show. 1, it would expand the entrepreneurship, meaning it would expand business. 2, it would create a lot of more jobs. 3, it would arrest unemployment. 4, it would reduce the burden on the public hospitals. And 5th, it would encourage the public-private partnership. सूबाई वजीर सेहत ने तकरीब में लगे मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी दौरा किया। कैमरामैन उमर रईस के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़।